डिजाइन का नाम है पेपे जींस, बहुत ही ना नॉर्मल सी पैकेजिंग है। एमआरपी लिखी हुई भाई 429 रुपए, जो कि क्वाइट नाइस है। बहुत सारे फीचर्स भी लिखे हुए हैं। फटाफट निकालते हैं और अंडरवेयर को देखते हैं। पहले तो पूरा ब्लैक कलर का अंडरवेयर है। अंडरवेयर की जो ओवरऑल बॉडी है वो कॉटन से बनी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 95% प्रीमियम इजिप्शियन कॉटन से बना हुआ है और 5% इसमें इलास्टीन ऐड है, थोड़ी सी ऐसे ना फ्लेक्सनेस के लिए। फ्लेक्सनेस के वर्ड होता है मतलब समझ लो कि ऐसा लचर लचर फैलने के लिए। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी पेपे जींस के। और अगर इसके वेस्ट के बैंड की बात करें ना, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, पतली भी है। ओवरऑल ना बहुत ज्यादा ना सेक्सी लुक आता है जब आप इसे पहनोगे तो। स्टिचिंग्स की डिटेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। सेंटर में आपको हल्की सी ना पैडिंग देखने को मिलेगी और अंदर में आपको पेपे जींस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ब्रांड की मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। फिटिंग विटिंग क्वाइट नाइस थी। और आप बोलोगे भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है इस चैनल पे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप गर्मी में इनर वेयर के साथ नरमी से पेश आओगे ना, तो ऐसा हो सकता है आपको बेसर्मी का सामना करना पड़ जाए। और इसी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत सारे लिटरली आपको बता दूं कि इस यूट्यूब की सबसे बड़ी इनर वेयर की हॉल है ये, जहां पर आपको अमेजिंग अमेजिंग ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और एक जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो इस हॉल का किलर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। ब्रांड का नाम है मॉडर्न क्रू। और अगर पैकेजिंग की बात करें ना, बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मॉडर्न क्रू की ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 549, लेकिन मैं आपको एकदम खतरनाक प्राइसिंग में आपको दिलवाऊंगा। फटाफट इसे निकालते हैं। इनर वेयर की बात करें ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इस पूरे हॉल का। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन सारे प्रोडक्ट को ना टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है नेक्स्ट स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कलर की बात करें, मरून कलर इसमें यूज हुआ है। डार्क ग्रे कलर का आपको इसमें वेस्ट बैंड देखने को मिल जाएगा, जिसमें मॉडर्न क्रू की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके फैब्रिक को टच एंड फील करोगे ना भाई, कतई मजा आ जाएगा। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, ये इतना सॉफ्ट एंड प्रीमियम फील होता है। और ये एक्चुअल सॉफ्टनेस एंड प्रीमियमनेस ना इनर वेयर में मैटर करती है। नीचे लिखा हो भाई मेड इन इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये जो 90% मॉडल एंड 10% इलास्टीन यूज हुआ है ना, ये कॉम्पोजिशन आपको किसी भी अंडरवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही एक चीज और आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो है इसके अंदर यूज हुआ सिल्वर आयरन फिनिश, जो इसे एंटी बैक्टीरियल बनाता है, दुर्गंध को ना दूर रखता है। इलास्टिक की बात करें तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट इलास्टिक आपको देखने को मिलता है। लिटरली हम जितने भी अंडरवेयर यहाँ पर दिखने वाले हैं ना, सबसे पतली इलास्टिक इसमें दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको लिटरली पहनने के बाद ना जरा सा भी फील नहीं होता कि आपने एक्चुअल में कुछ पहना हुआ है। और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम। मजाक कर रहा हूँ। फ्रंट में अगर देखोगे तो फ्रंट में एक्चुअल में ना यहाँ पर हल्की सी पैडिंग ऐड की गई है, जो कि सपोर्ट में ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही आज की जितने भी अंडरवेयर आते हैं ना, सब में ना वो फ्रंट वाले ना कट या पॉकेट जो होती थी, जिसे मेंस पी करते थे, वो वाली ना पॉकेट हटी सी गई है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बड़े यूनिक तरीके से फ्रंट में कट दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ना जो पहले वाली कट आती थी ना ऐसे सी शेप वाली, उससे बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ज्यादा ना आपको खोजना वोजना नहीं पड़ता। और इसके मेरे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आपको ग्रीन पसंद है, यहाँ पर आप ग्रीन देख सकते हो। हमारे पास एक रेड वाला प्रोडक्ट भी है, जो कि एक्चुअल में ना एक शॉर्ट ट्रंक है। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा एकदम हाफ पैंट जैसा अंडरवेयर पहनने का मन नहीं करता, थोड़ा सा स्टाइलिश ट्रंक पहनना चाहते हो ना, आप इस शॉर्ट ट्रंक के लिए आराम से जा सकते हो। मेरा ये फेवरेट है। हमारे पास एक व्हाइट कलर भी है। साथ ही अगर आपको ना ब्रीफ्स पहनना पसंद है, तो आप डेफिनेटली इनके ब्रीफ्स के लिए भी जा सकते हो। एक अच्छी बात क्या लगी ना, एक्चुअल में ना यहाँ पर बॉटम में बहुत तगड़ा सपोर्ट या ना पैडिंग दी गई है। हमारे पास ब्लैक कलर भी है। एंड लिटरली जब आप पहनोगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छी चीज पहनी है। लेकिन अच्छी चीजों के लिए पैसे भी पे करने पड़ते हैं। अगर आप इसे इंडिविजुअल खरीदते हो ना, तो ये आपको पड़ेगा 499 का। और अगर आप पैक ऑफ 3 खरीदोगे तो ये आपको 1200 रुपए के आसपास में पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आप मेरा ये कोड यूज करोगे ना, तो आपको पैक ऑफ 3 महज 1000 रुपए में मिल जाएगा, 1017 रुपए में, जो कि खतरनाक डील बनाता है इसे। इंडस्ट्री की बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। 1000 रुपए में आपके पास 3 प्रोडक्ट होंगे, और क्या चाहिए। नेक्स्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में, यूएस पोलो की तरफ से आने वाला अंडरवेयर। प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ 419 रुपए। पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी मैं कहूंगा। लिखा हुआ क्लासिक प्रीमियम कॉटन स्ट्रेच। फटाफट से निकालते हैं। इसके भी मेरे पास 2 कलर्स अवेलेबल है, कौन सा देखना बताओ। ग्रे वाला देखते हैं। अंडरवेयर के अगर फैब्रिक की बात करें ना, कॉटन से बना हुआ फैब्रिक है। यहाँ पर अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखोगे, 95% कॉटन, 5% स्पेंडेक्स यहाँ पर यूज हुआ है। और एक्चुअल में ना ये प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा अलग लगता है टच एंड फील में। फ्रंट में आपको कोई भी कट पॉकेट नहीं मिलता। अगर इलास्टिक की क्वालिटी की बात करें, थोड़ा सा मोटा है लेकिन सॉफ्ट बहुत है। यूएस पोलो की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और साइड साइड में भाई अमेरिका का झंडा मिलता है चारों तरफ। साथ ही एक एक्स्ट्रा एड ऑन वाली चीज क्या है कि यहाँ पर आपको यूएस पोलो की ब्रांडिंग और 3 यहाँ पर ना प्रिंटेड मिलेगा। अब ये प्रिंट कितने दिन तक चलने वाला, क्या चलने वाला, ये तो वॉश के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल क्वालिटी ठीक ठाक डिसेंट है। पैडिंग भी आपको फ्रंट में मिल जाएगी। इसका सेम यही मेरे पास
नेवी ब्लू कलर का भी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो या इसके भी पैक ऑफ टू मिलते हैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे। ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करें ना तो डेफिनेटली अच्छी है, बुरी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ नॉट द वेरी बेस्ट क्वालिटी, फिटिंग भी ठीक ठाक लगती है। यानी मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 800 रुपए के आसपास में दो मिल जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि भाई ब्रांड का पैसा वैसा एडेड है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जाना है तो जा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में लिवाइस की तरफ से आने वाला अंडरवेयर। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ 349, जो कि मस्त है भाई। स्मार्ट स्क्रीन, ओ माय गॉड, क्या इसके अंदर भी है एंड्रॉइड। हालांकि मैंने इसे खोल दिया, पैकेजिंग इसकी ना बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसका जो वेस्ट बैंड है वो आपको डार्क ग्रीन या मेहंदी ग्रीन टाइप का देखने को मिलता है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है। इसमें भी आपको कॉटन देखने को मिलता है। बेसिकली ये कॉटन वाले जितने भी फैब्रिक होते हैं ना, वो समझ लो ना सिंपली टी शर्ट के जैसा फील होते हैं, मतलब वैसे ही आपको फैब्रिक फील होगा। लेकिन जो मॉडल फैब्रिक होता है ना, एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा लाइट ब्रीदेबल जैसा फील होता है। यहाँ पर भी आपको कोई कट पॉकेट नहीं मिलता, बीच में आपको पैडिंग मिल जाएगी, स्टिचिंग सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर वेस्ट बैंड की क्वालिटी की बात करें, पतली है, अच्छी है, सॉफ्ट है। लिवाइस के आपको चारों तरफ ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ना एक बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट है, और इस सिंगल के लिए आपको पे करना पड़ेगा 250 रुपए के आसपास, जो कि मैं बेस्ट कहूंगा भाई। प्राइसिंग इसकी तगड़ी है अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट खरीदना है तो। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। अगर अभी भी आपको कॉटन और मॉडल के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा ना तो कि किसके लिए जाए, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। खत्म, टाटा, बाय बाय। तीन मेरे पास और है पेपे जींस के प्रोडक्ट्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। पेपे जींस लंदन, ओह माय गॉड, प्राइसिंग लिखी हुई है 449, क्वाइट एक्सपेंसिव। फटाफट निकालते प्रोडक्ट को और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कलर की बात करें तो इसमें मेजरली आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वैसे बने होते हैं, पर्पल एंड ब्लैक। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप फ्रंट में देखोगे ना तो एक ब्रीफ के जैसी ना यहाँ पर स्टिचिंग की गई है, और साइड साइड में स्टिचिंग के थ्रू इसे ट्रंक बनाया गया है। बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। फ्रंट में आपको हल्की हल्की पैडिंग देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, अच्छी खासी चौड़ी भी और दोनों तरफ से सॉफ्ट है। साइड में आपको पेपे जींस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दूसरी साइड में एक बहुत खूबसूरत सा ग्राफिक बनाया गया है, सेम वही कॉम्पोजिशन, 95% इजिप्शियन कॉटन, यानी सिंपली कॉटन समझ लो, और 5% इलास्टिन, जो कि आप सब में देखते आ रहे होंगे। यानी मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। एग्जैक्टली कितना पे करना ये सारी चीजें तो आपको लिंक में पता चल जाएगी। वैसे डिजाइन की अगर बात करें ना तो एक्चुअल में ना डिजाइन मैटर करता है, क्योंकि जब भी देखो अंदर पहन रहे जब तक पहन रहे तब तक पहन रहे, कहीं अगर चेंजिंग रूम में या कहीं स्विमिंग पूल में अगर आप नहाने जा रहे, उस वक्त अगर कहीं खोलना पड़ता है ना पैंट, तो वहां पर इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए। और ना भी दिखे जो पहने में ना भाई, वो अच्छा कर रहेगा ना, एक्चुअल में ना आपके अंदर भी वही एनर्जी आएगी। नेक्स्ट पेपे जींस का प्रोडक्ट फटाफट से निकालते हैं, और ये एक एकदम टट्टी प्रोडक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 399, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया, आपको बताता हूँ। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है इजिप्शियन कॉटन, और इसमें लस्टिन कुछ ऐड नहीं है। कलर की बात करें तो आपको सॉर्ट ऑफ ना ग्रे टाइप का ही फील होगा, हल्का सा इसमें ना वार्म टोन थोड़ा सा एडेड है। पेपे जींस करके सब भर करके लिखा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल ठीक ही लगता है। फ्रंट में आपको पैडिंग भी मिल जाएगी, वेस्ट बैंड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पेपे जींस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक ठाक आपको इन हैंड फील होगा। पहनने के बाद मतलब ऐसा फील होता है ना कि मैं फैलना चाह रहा हूं, मेरे लेग्स स्ट्रेच होना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाह रहा है। तो बड़ा अजीब सा ना टाइटनेस जैसा फील होता है। एक अच्छा अंडरवियर वही होता है ना जो आपके बॉडी के साथ ना फ्लो करे, और आपको फील भी ना हो कि एक्चुअल में आपने अंदर में कुछ पहना है। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, पैकेजिंग बहुत ज्यादा प्रीमियम है, एक्चुअली अच्छी है पैकेजिंग। 449 यहां पे लिखा हुआ है। देखो मेरा मानना है कि पैकेजिंग उतनी अच्छी ना भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे उठाते और फेंकते ही है, अंदर की चीज अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेसिक कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, दो डार्क ग्रे एंड ब्लैक, जो कि मस्त लग रहा है। हल्के हल्के ना आपको ब्लैक एंड चेक्स देखने को मिल जाएंगे बॉडी पे। फ्रंट में आपको पेपे करके ऐसा लिखा हुआ बहुत बड़ा सा, जो कि पेपे जींस की ब्रांडिंग है। ब्रांड की क्वालिटी बहुत ज्यादा चौड़ी है, सॉफ्ट है, पतली है। अंदर के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, सेम वही लिखा होगा, 95% कॉटन एंड 5% इलास्टिन, जो कि सब में है। ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, फिटिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कोई भी इसमें आपको कट पॉकेट नहीं मिलता, जो कि थोड़ा सा मुझे लैक लगता है। और एक्चुअल में अभी अगर बात करें ना मॉडल एंड कॉटन के बीच के डिफरेंस की, तो एक्चुअल में ना मॉडल आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा ना ब्रीदेबल जैसा फील होगा, और कॉटन आपको मोर स्ट्रॉन्गर टाइप का फील होगा। मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मजबूत के साइड में है, कंफर्टेबल के साइड में नहीं है। मॉडल आपको मजबूत तो लगेगा ही,
लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज्यादा लगेगा। ये सारी चीजें पीछे देख लो। नेक्स्ट ब्रांड हम चेकआउट कर रहे हैं XYXX, एक और बहुत ही ज्यादा वेल नोन ब्रांड अंडरवेयर के मामले में, जो की अच्छी चीज बनाता है। पैकेजिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल पैकेजिंग रख रहे हो ना, तो इसके जगह अगर आप पेपर की पैकेजिंग यूज कर लोगे ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी मोड़ी तारीफ है, एक्चुअल अगर प्रोडक्ट को देखें बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसका भी फैब्रिक है, और एक्चुअल इसमें मॉडल होगा, फील ही हो जाता है भाई वो चीज। बहुत ही ज्यादा ना बेसिक ट्रंक से बनाया गया, शॉर्ट ट्रंक है ये, कहीं भी आपको 3-5 देखने को नहीं मिलेगा। जो डार्क ग्रे कलर आपको पूरी बॉडी में मिलेगा, वही डार्क ग्रे कलर इसके इलास्टिक में भी है। ऊपर में ना हल्की सी पाइपिंग जैसी मिलेगी आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की, और वही सेम से आपको साइड में छोटी सी XYXX की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 92% मॉडल एंड 8% इलास्टिन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉम्पोजिशन मॉडर्न क्रू यूज कर रही है ना, और कोई ब्रांड यूज नहीं करेगी, उनके पास 10% इलास्टिन एंड 90% मॉडल का फिगर है। ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। प्राइसिंग की बात करें तो आपको 250 रुपए के आसपास में मिलेगा, जो कि मैं कहूंगा ठीक है और नहीं भी है, क्योंकि इसमें ना कोई स्टाइल ऐड नहीं है, बड़े ही सिंपल बेसिक सा। अगर आपको बेसिक पहनना पसंद है तो इसके लिए जा सकते हो, प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाना चाहो आराम से जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट अंडरवेयर इज पूरे हॉल का। ब्रांड का नाम है सोल स्टोर, मार्बल की चड्डी, एकदम स्पाइडरमैन का जंगिया खींच के लाए हम आपको दिखाने के लिए। अंदर में आपको द सोल स्टोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 95% मॉडल और 5% स्पेंडेक्स यूज हुआ देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको हल्की हल्की पैडिंग मिलती है, और पूरे चड्डी में आपको एकदम खतरनाक गड्डी से भरी हुई कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर स्पाइडरमैन छपा हुआ है। वेस्ट पे आपको मार्बल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल अगर बात करें ना, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था। स्टाइल के मामले में भाई इसे 0 नंबर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में ना ये इतने अतरंगी चीजें ना, तो एकदम फैन बॉय ही पहन सकता है, हर कोई तो नहीं पहनेगा। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, और इसके लिए आपको पे करना होगा 427, बहुत एक्सपेंसिव। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट, पेपे जींस स्टार्ट, पेपे जींस खत्म, पेपे पेपे, प्राइसिंग 429, एक और बहुत ही बेसिक कलर के साथ आने वाला प्रोडक्ट। डार्क ग्रे आपको देखने मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, पेपे जींस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कॉटन से बना हुआ है, सेम वही कॉम्पोजिशन, 95% कॉटन, 5% इलास्टिन, वही आपको देखने को मिलता है। क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, कंफर्टेबल है। देखो, आपने अगर ना जॉकी वॉकी के अंडरवेयर पहने हैं ना, तो एग्जैक्टली समझ लो कि सेम वही फीलिंग आएगी आपको इसमें। इसको पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी भी, लेकिन वही है, अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते ना, मॉडर्न क्रू के लिए आंख बंद करके जा सकते हो, 1000 में आपको 3 मिल जाएगा, और इससे अच्छा क्या चाहिए। रिस्ट बैंड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो एक्चुअल में बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, क्योंकि है भाई एक्चुअली यूट्यूब की और इंटरनेट की सबसे बड़ी इनरवेयर की हॉल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, फोटो अच्छा लगा, मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए गाइस, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।